मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बांद्री नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत बांद्री पहरगुआ और इमलिया में कुल 5.68 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जिसमें बांद्री में 2 करोड़ रुपए की लागत के पार्क निर्माण एवं सौंदर्यकरण, लाइब्रेरी और पहरगुआ में 1.22 करोड़ लागत के झील संरक्षण व सौंदर्यकरण, 44 लाख रुपए लागत के उप स्वास्थ्य केंद्र तथा इमलिया एवं पहरगुआ में 2 करोड़ लागत की विभिन्न सीसी रोड का लोकार्पण किया। बता बताओ क्या सीख रहे हो, बोलो। ऐसे व्यवस्था ठीक हुई है, अगर कोई गरीब इलाज के लिए आता है तो हम सागर में व्यवस्था करते हैं, भोपाल में व्यवस्था करते हैं, अगर नहीं होती तो बाहर व्यवस्था करते हैं। हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड बना दिया, आयुष्मान कार्ड से आपका 5 लाख तक का इलाज फ्री में होता है, चाहे आप भोपाल के अस्पताल में कराओ, चाहे आप सागर के अस्पताल में कराओ, 5 लाख तक का इलाज आपका फ्री में, चाहे इंदौर में, चाहे दिल्ली में, चाहे बम्बई में, कहीं पर भी कराओ, 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान कार्ड से। हमारे मोदी जी ने योजना बनाई, आयुष्मान कार्ड से फ्री होता है। हमारी सरकार ने संबल योजना बनाई, कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो संबल योजना में 2 लाख 4 लाख की राशि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब को देने का काम करती है। कमलनाथ की सरकार ने ये योजना बंद कर दी थी, हमारी सरकार आई, हम लोगों ने शुरू कर दी। हम गरीब की बेटी की शादी के लिए 55,000 रुपए गरीब की बेटी की शादी के लिए हमारी सरकार देने का काम करती है। तो सड़क अधूरी पड़ी थी, बुखड़ी पड़ी थी, स्कूल में जाओ तो छत टपक रही थी, अस्पताल में जाओ तो छत टपक रही थी। तो आज हमने सब चीजों को सुधारने की कोशिश की है, हमने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई, हमने दलाली पर रोक लगाई, हमने काम अच्छे कराने की कोशिश की, बाराना आज काम अच्छे हो रहे हैं। आप पहले के काम देखो और आज के काम देखो तो कामों की गुणवत्ता सुधारने की कोशिश हमने की है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि 10 साल का समय और मिलेगा तो मैं मध्य प्रदेश में विकास के मामले में खुरई विधानसभा को नंबर 1 पे ले जाऊंगा। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।